जैसे कि आप सभी को पता है कि यूटेट के एग्जाम की डेट का नोटिस आ चुका है कि कब आपके एग्जाम के फिल करने की लास्ट डेट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कौन कौन इस एग्जाम को फिल कर सकता है, इससे क्या क्या क्राइटेरिया, इस बारे में फुल डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथ साथ हम करते हैं आज हमें फुल डिस्कस यूटेट का। यूटेट मतलब कि ये किस स्टेट का एग्जाम आपका, उत्तराखंड। यूटेट का किसका एग्जाम आपका, उत्तराखंड स्टेट का है आपका। इसके जो एग्जाम की जो डेट है वो आपकी कब से, 1 जुलाई से निकल चुके हैं एग्जाम, और लास्ट डेट जो है आपकी वो है 28 जुलाई है। अब बात करते हैं कि यूटेट जो एग्जाम है ये इसकी वैलिडिटी क्या है। वैलिडिटी अगर हम बात करें तो ये लाइफ टाइम वैलिड आपका, मतलब कि आप लाइफ टाइम रहेगा ये आपकी। ये नहीं है कि 1-2 साल बाद इसकी क्या रहेगी, खत्म हो जाएगी इस एग्जाम की, वो नहीं रहेगा ऐसा कुछ, लाइफ टाइम है ये हमारा। उसके बाद अगर हम बात करें कि किस कौन कौन इस एग्जाम को फिल कर सकता है, तो फुल डिस्कस करेंगे इस बारे में। जो यूटेट जो एग्जाम है वो होता है आपका 2 मोड पे होता है। एक तो फर्स्ट होता है आपका प्राइमरी लेवल पे, मतलब कि 1st to 5th class के बच्चों पढ़ाने के लिए। सेकंड जो लेवल रहेगा आपका वो रहेगा आपका 6th to 8th class तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब सब्जेक्ट की अगर बात करें क्या क्या सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट आएगा इसमें एक तो CDP मतलब बाल विकास, जो आपका 30 नंबर का रहेगा। सेकंड रहेगा आपका फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, एज यू चॉइस कि आप क्या चॉइस करना चाहते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। फिर है आपका सेकंड लैंग्वेज भी कि आप क्या चूज करोगे, वो भी रहेगी 30 नंबर की। फोर्थ सब्जेक्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका मैथ का रहेगा, मैथ में आपका 30 नंबर का रहेगा। और ये रहेगा फिर लास्ट सब्जेक्ट जो मिलेगा EVS मिलेगी 30 नंबर की। अब मैथ जो मिलेगा वो कौन सी क्लास तक का मिलेगा आपको, 3rd to 5th class तक का, क्लास तक के मैथ मिलेगा इसमें आपको। EVS जो मिलेगी वो आपको NCERT लेवल की मिलेगी, सेम 3rd to 5th class तक की जो NCERT की बुक है उसमें से पूरी EVS आपकी कवर हो जाएगी। टोटल जो नंबर रहेगा वो 150 मार्क्स का रहेगा आपका ये। उसके बाद जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर सेम बाल विकास जो रहेगा, CDP आपका 30 नंबर का। फर्स्ट जो लैंग्वेज रहेगी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या चूज करना चाहते हो, सेम है सेकंड लैंग्वेज आपकी, वो भी 30 नंबर की रहेगी। भैया अगर अब काफी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हम दोनों लैंग्वेज सेम रख सकते हैं, नहीं रख सकते है। अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज अगर हिंदी चूज की है तो सेकंड लैंग्वेज आपको इंग्लिश मिलेगी। अगर फर्स्ट लैंग्वेज आपने इंग्लिश में चूज किया तो आपको क्या मिलेगी, हिंदी मिलेगी उसी लैंग्वेज। दोनों में जो रहेगा पोर्शन मिलेगा आपको, ग्रामर का पोर्शन मिलेगा आपको, मतलब कि सारा पोर्शन नहीं मिलेगा, कह सकते हैं कि सारे पोर्शन ग्रामर का मिलेगा ऐसा नहीं कह सकते हम, थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको ग्रामर के मिलेंगे। उसके बाद जिसने ग्रेजुएशन में, मतलब कि सेकंड लेवल का जो एग्जाम रहेगा इसमें जिस स्टूडेंट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से किया उस वो सब्जेक्ट मिलेगा उसको। अगर आप साइंस स्ट्रीम से रहे तो आपको मैथ और साइंस मिलेगी, वो कितने नंबर की मिलेगी, 60, मतलब कि हाफ ऑफ पार्ट में 30 नंबर का मैथ रहेगा, 30 नंबर या फिर साइंस रहेगी। अगर कोई स्टूडेंट मतलब भाई आर्ट से है, कॉमर्स से है, तो उसको मिलेगी SST। SST भी आपकी कितने रहेगी, 30 नंबर। टोटल मार्क्स जो रहेगा वो 150 मार्क्स का रहेगा आपके। अब बात करते हैं इस फॉर्म को कौन फिल कर सकता है। भाई जिन्होंने BEd की हुई है वो इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है, मतलब जिन्होंने BEd की है या परसुइंग है या सेकंड ईयर में भी है तब भी वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। बात करते हैं क्या इसे नेगेटिव मार्किंग है, ये क्वालिफाई एग्जाम है आपका, तो मतलब कि इसके बाद ये है कि आप और टीचिंग के एग्जाम भी फिल कर सकते हो इजिली। तो ये थे आज का ये छोटा सा सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना साथ साथ। थैंक यू वेरी मच।